गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू फोकस अकेडमी। क्लास 10 की हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या इंपैक्ट निकले थे, स्टेप्स जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद दिए गए थे, किस तरह से नेशनल असेंबली बनाई गई थी, फ्रेंच को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था, प्लस एक नेशनल असेंबली के बनाने के बाद क्या होता है कि कुछ रूल्स, कुछ लॉज और रेगुलेशन बनाए गए थे और इंटरनल ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया गया था। प्रीवियस लेक्चर में ये हम लोग ये स्टडी कर चुके थे। तो मैंने बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ था, नेशनल असेंबली फ्रांस में बन चुकी थी। अब उस नेशनल असेंबली के बाद क्या हुआ था, जेकबिन क्लब बना था, ठीक है। अब वो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे किस तरह से क्या हुआ था। तो आफ्टर द न्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे ही डेमोक्रेसी की न्यूज स्प्रेड हुई पूरी कंट्री के अंदर, फ्रांस के अंदर, अच्छा हमने प्रीवियस लेक्चर से पढ़ा था क्या कि पूरे यूरोप के अंदर क्या था, मोनार्की सिस्टम था, लेकिन फ्रांस में सबसे पहले क्या हुआ, डेमोक्रेसी के लिए, सॉरी नेशनलिज्म के लिए क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन जनरेट हुआ था। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो उस नेशनलिज्म की जैसे ही लोगों ने क्या किया था, वहाँ के जो पैलेस था उस पर अटैक करने के बाद क्या किया था, वहाँ से वहाँ के स्टोन्स वगैरह को तोड़ के उनको मार्केट में सेल आउट करने लग गए थे। तो इस तरह से बहुत सारे रिवॉल्यूशन है, उस रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ था, फ्रांस में डेमोक्रेसी आई थी। तो उस डेमोक्रेसी के आने के बाद हमने बताया कि एक नेशनल असेंबली को बना दिया गया, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि आपने डेमोक्रेसी लिया है तो आप सारे लोग डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग रूल करने लग जाएंगे, हर कोई तो रूल करेगा नहीं, ठीक है। तो कुछ कोई ना कोई लीडिंग मेंबर्स होते थे जो वो बनाते थे, या कोई कमेटी होती थी जो रूल करती थी। तो वो कौन सी कम्युनिटी थी वो उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे ही क्या हुआ, डेमोक्रेसी की न्यूज स्प्रेड आउट हुई पूरी फ्रांस के अंदर, तब क्या हुआ, स्कूल एंड कॉलेजेस स्टूडेंट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। जितने भी स्कूल्स के और कॉलेजेस के बच्चे थे या जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या करा, इस नेशनलिज्म का जो आइडिया था जो फ्रांस में क्या हुआ था, स्प्रेड आउट हुआ था। ये हमने एक फ्रांस का जो नेशनलिज्म का आइडिया था, ये एक पेंटिंग हमने देखी थी फैड्रिक सीरो की, जो हमने फैड्रिक सीरो की पेंटिंग देखी थी उससे स्प्रेड आउट हुआ था, ठीक है। तो वो जैसे ही आइडिया स्प्रेड आउट हुआ पूरे फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म का, तो उन्होंने क्या किया, बाय फॉर्मिंग द जैकोबिन क्लब, उन्होंने क्या करा, एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बाय फॉर्मिंग द जैकोबिन क्लब। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्टूडेंट्स सपोर्टेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बाय फॉर्मिंग द जैकोबिन क्लब। तो स्टूडेंट्स जो भी थे स्कूल्स के कॉलेजेस के, उन्होंने क्या किया, एक क्लब बनाया, और उस क्लब के बेसिस पे क्या करा, इन लोगों ने नेशनलिज्म को और ज्यादा पूरे कंट्री में फ्रांस के अंदर बहुत स्प्रेड आउट किया और बहुत सपोर्ट किया इस क्लब को, ठीक है। तो ये जो क्लब बना था, इस क्लब का नाम क्या था, जैकोबिन क्लब। अच्छा, इस जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबर्ट पीरियर, इसलिए जो जैकबिन क्लब बना था इसके लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबर्ट पीरियर, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना है। ये जैकोबिन क्लब के बेसिकली क्या थे, लीडर थे। तो एक जैकोबिन क्लब बना और जिसने क्या करा, एक नया अपने इस क्लब के थ्रू क्या करा, नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो पूरे यूरोप के अंदर स्प्रेड आउट करने लग गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी की जो न्यूज आई, उस न्यूज को इन्होंने क्या करा, स्प्रेड आउट किया, एक जैकोबिन क्लब बना के, और नेशनलिज्म की फिल्म जनरेट किया और भी पूरे यूरोप के अंदर स्प्रेड आउट किया, ठीक है। तो होप ये समझ में आया। तो नेशनलिज्म असेंबली को हम समझ चुके हैं कि क्या, जैसे फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो रिवॉल्यूशन के बाद डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी आने के लिए क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली बनाई गई, और नेशनल असेंबली बनाने के बाद क्या हुआ, एक जैकोबिन क्लब बना, जो किसने बनाया था, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, और उनका लीडर कौन थे, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये इनके क्या थे, लीडर थे, जैकोबिन क्लब के जो लीडिंग पर्सन थे, इनका नाम है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये नाम ध्यान रखना है। अब जैसे ही क्या हुआ, जैकोबिन क्लब बना, तो जैकोबिन क्लब बनने के बाद क्या हुआ, मैंने बताया ना जैसे कि आपको डेमोक्रेसी आ तो गई, लेकिन आप क्या है, कंट्री को रूल तो करना ही ना, तो ये तो है नहीं कि हर मेंबर अपने अपने कंट्री को रूल करेगा। तो जैकोबिन क्लब क्या काम कर रहा था कि नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड कर रहा था। तभी क्या हुआ, एक डायरेक्टरी रूल स्टार्ट हो गया फ्रांस के अंदर, क्या स्टार्ट हुआ, डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल होता क्या है, ये हम देखते हैं। तो डायरेक्टरी रूल क्या था, इट वॉज फाइव मेंबर कमेटी गवर्न फ्रांस फ्रॉम 1795। ये एक फाइव मेंबर की कमेटी थी, फाइव मेंबर्स की एक कमेटी थी, ठीक है, जो जिसमें से मे बी एक दो मेंबर्स इस जैकोबिन क्लब के भी थे। तो ये फाइव मेंबर की कमेटी थी जिस कमेटी ने क्या करा, फ्रांस को रूल करना स्टार्ट करा, कब, 1795 से, ठीक है, 1795 से इन लोगों ने क्या स्टार्ट करा, फ्रांस पे रूल करना स्टार्ट किया। तो समझ में आया क्या हमने पढ़ा है, कि पहले मोनार्की सिस्टम था यूरोप के अंदर, मोनार्की सिस्टम था, लेकिन लोग उस मोनार्की सिस्टम से खुश नहीं थे, तो उन्हें रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा, और वो फर्स्ट रिवॉल्यूशन कहाँ स्टार्ट हुआ, फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, धीरे 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 रिवॉल्यूशन स्प्रेड होता गया, नेशनल असेंबली बनी, जैकोबिन क्लब बना, देन डायरेक्टरी रूल आया, और देन अब अपन बात करेंगे आगे नेपोलियन। तो ये जो डायरेक्टर रूल था, इसमें क्या था, बेसिकली फाइव मेंबर की कमेटी थी जो फ्रांस को गवर्न करती थी, और ये स्टार्ट कब से हुआ था, 1795 से। देन बहुत टाइम तक डायरेक्टर रूल चला, उसके बाद कौन आया, नेपोलियन। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेपोलियन के बारे में बताते हैं कि नेपोलियन का राइज कैसे हुआ, कब कब उसने नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस करे, और क्या उसके रूल्स थे जो उसने अपनी कंट्री को चलाने के लिए अप्लाई किए थे। तो होप यू अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आया।
फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.